Brought to you by Union Enzyme. जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ खाना पचाओ। चार तारीख को चुनावी नतीजे कुछ भी हो, लेकिन माहौल बना गया अखिलेश यादव। इंडिया अलायंस को चर्चाओं में मजबूती से खड़ा कर गए अखिलेश यादव। फिर चाहे उनकी सभाओं में तूफानी भीड़ की तस्वीरें हों या फिर भगदड़ के हालात, जातीय समीकरणों की गणित हों या फिर सीधे पीएम मोदी सीएम योगी को चुनौती, राहुल के साथ भयंकर माहौल बना गया अखिलेश यादव। और इस चुनाव के आखिरी चरण के आखिरी दौर के प्रचार में अखिलेश लाइमलाइट खींच ले गए, ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती है। देखिए कि कहां कहां नहीं है सपा के समर्थक, अखिलेश यादव के फॉलोवर्स। तस्वीरें मऊ की हैं, जहां घोसी लोकसभा में राजीव राय के लिए चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे अखिलेश, तो उनकी जनसभा में पंडाल के अंदर, खंभों के ऊपर, पंडाल के बाहर, पंडाल की छत पर, सब तरफ उनके समर्थक और सपाई दिखाई दी, जिसे देखकर मानो अखिलेश यादव गजब गदगद आ गए। बड़े दावे भी कर गए पूर्वांचल में बीजेपी के सफाए के। वहीं ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बाद पूर्वांचल में भौकाली अंदाज के बाद अखिलेश यादव लेने पहुंच गए मी टाइम, सुस्ताने, थकन मिटाने। अब जब थकन मिटानी हो तो चाय से बेहतर क्या। तो भैया, चुनाव प्रचार खत्म कर अखिलेश यादव पहुंच गए चाय की चुस्की लेने। अखिलेश यादव ने काशी की कुल्हड़ वाली चाय और मलाई टोस्ट का लुत्फ उठाया। इसके साथ ही अखिलेश यादव चाय पीते हुए अपनी फोटो भी एक्स पर शेयर करते हैं। अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं, बनारस के सच्चे चाय वाले वीरेंद्र भाई की चाय और सच्चे टोस्ट मलाई वाले संतोष बबलू भाई और किसी अनजान कुम्हार की कुल्हड़ के साथ। आम कारोबार को प्रोत्साहित करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कारोबार जोड़ता है। इंडिया की चाय और मलाई टोस्ट यानी चाय के साथ इस पोस्ट से अखिलेश यादव बड़ा हमला भी कर गए पीएम मोदी पर, क्योंकि जब 2014 में पीएम मोदी की एंट्री हुई थी यूपी में तो चाय ही चुनावी चर्चा में थी। चाय वाले का बेटा खुद को बता पीएम मोदी बड़ा खेल कर गए, इमोशनल कार्ड चल गए। तब से जब भी चुनाव होते हैं बीजेपी एक और सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, तो वहीं खुद की पार्टी से एक चाय वाले को पीएम बनाने का दावा कर पिछड़ों दलितों को बड़ा संदेश दे जाती है। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी इन तस्वीरों के साथ सच्चा चाय वाला लिखा है, उससे भी ये माना जा रहा है कि ये सीधा हमला पीएम मोदी पर ही है। क्योंकि एक तो चाय, वो भी काशी की, जो खुद पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहीं से वो तीसरी बार बड़ी ऐतिहासिक जीत की कोशिश में है। इसलिए अखिलेश यादव के इस हल्के फुल्के अंदाज की खूब चर्चा है। वैसे आप क्या कहेंगे, अखिलेश यादव के पूरे चुनाव प्रचार, उनकी रणनीति और लास्ट में उनकी चाय की चुस्कियों के साथ सच्चे चाय वाले की तस्वीरों पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।